झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने पत्रकारों से एक खास मुलाकात में कहा कि विधायक अंबा प्रसाद ने क्षेत्र के विकास में दिन रात एक कर दिया है। उनके कामों को देखते हुए बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से जनता विधायक अंबा प्रसाद को बहुमत से विजयी बनाएगी। अंबा फिर से विधायक बनेंगी। हमारे घर से चार लोग आम जनता की समस्या को सुनने के लिए क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं। उन्होंने आगे भी कहा कि अंबा, मैं, मेरी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी और मेरा बेटा सभी क्षेत्र में घूम घूम कर आम जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अंबा प्रसाद प्रत्येक सोमवार को पीटीपीएस में जनता दरबार लगाकर आम जनता की समस्या को सुनती हैं और जितनी जल्दी संभव हो सके उसे दूर करने का कार्य करती हैं। पत्रातू से जयकिशन पाठक की रिपोर्ट। महत्वपूर्ण चार पांच बिंदु कुछ बताइए जो पब्लिक के बीच में आप जा रहे हैं, जिसके तहत आप वोट मांगेंगे और अपना राजनीतिक काल जो है अंबा सुशील अंबा प्रसाद का, उस पर वो अपना वोट देखिए। वोट मांगने का कहीं कोई मतलब माइनस पॉइंट चाहिए नहीं। अंबा प्रसाद हर जगह उपस्थित है, हर चाहे वो छठी हो या शादी हो या किसी भी आयोजन में, जनता जहां भी उसको बुलाती है उपस्थित हो जाती है। जहां कोई समस्या जन समस्या हो या प्राइवेट समस्या हो, हर चीज को सॉल्व करने का काम करती है। और अभी जो उन्होंने विकास काम किया उसका तो पूरा लिस्ट का फेहरिस्त लगा हुआ है। और अंबा प्रसाद के जैसा कौन उम्मीदवार आप बता दीजिए, कौन उम्मीदवार यहाँ पर जितने भी आ रहे हैं क्षेत्र का दोहन करने भी आ रहे हैं, सोचते हैं किसी तरह से अंबा प्रसाद को बदनाम करने का भी प्रयास किया जाता है। हम बोलते हैं कि अंबा प्रसाद हिंदू मुसलमान का खेल चला कर दिया जाता है। कभी मोदी कांड बड़का गांव में आप देखते होंगे, मोदी कांड से अंबा प्रसाद का क्या मतलब था? तो मोदी कांड जब से हुआ उस समय उसका जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय से मोदी कांड चला आ रहा था। उस समय भाजपा का अधिकतर सरकार यहाँ पर रही लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर पाई। तो ये सब चीज़ है, प्रोपगेंडा उड़ा करके बदनाम करने के लिए। कभी बोल रहे बीजेपी में जाने वाली है, कभी क्या। हम बोले कि हिंदू का मुद्दा उठाते हैं, हम लोग से ज्यादा कोई हिंदू है? कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं बन पाया परिवार के बीच में। तो परिवार में तो चार लीडर होंगे, चार जनता की सेवा कर रहे हैं। मेरा बेटा भी जो है सो उसको भी पब्लिक पकड़ता है, हमको भी पकड़ता है, मेरी पत्नी भी पकड़ता है अंबा प्रसाद की। अभी छोटी बेटी हमारी अनुप्रिया जो है सो हजारीबाग से कंटेक्ट करने के लिए, वो अनुप्रिया पंडित भी उसको भी लोग 63% लोग हजारीबाग विधानसभा के लिए उसको चाह रहे हैं। तो इस तरह से लोकसभा में चूंकि अंबा प्रसाद आती है, अंबा प्रसाद का पहले से आ गया कि 64% और 65% अंबा प्रसाद को लोकसभा में लोग चाह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उसी के चलते हम लोग यहाँ ईडी का रेट पड़ा। ईडी का रेट में कुछ नहीं मिला, और नहीं मिला तो उसका खामियाजा था कि लोकसभा से हम लोग पीछे हटना पड़ा। क्योंकि भाजपा का तो चाल चरित्र सबको जग जाहिर है कि कहीं भी अगर यदि कोई लीडर उभरता है तो उसको दबाने के लिए हर हथकंडा अपनाती है। तो ये अबर का चुनाव में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जनता मन बना चुकी है। अंबा प्रसाद अबर 1,00,000 से जीती थी, 30,000 वोट से लीड की थी, अभी हमको लगता है 50,000 से लीड करेगी। तो जाति पाति भेदभाव तो जानती ही नहीं, वो सबको काम करती है, सबको साथ लेके चलती है। उसको अधिकारियों के बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में जो भी काम चाहती है तो सब करवा लेती है। अभी आपने देखा होगा पुल ओवरब्रिज का जो है आज शिलान्यास छुट्टी होने वाला है, वहाँ पर ऑनलाइन मुख्यमंत्री करने वाले हैं और माननीय विधायक यहाँ पर करने वाली है। तो ये सब सारा चीज दिखता है, रोड नली गली सड़क इतना डेवलपमेंट का काम हो रहा है। अगर हम भी विधायक अभी रहते उतना दौड़ नहीं सकते थे और उतना हम विकास नहीं कर सकते। जितना हम एक लोटा जल नहीं डालते तब तक हम लोग जल ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये सब है कि हम लोग पूजा पाठ आज मंगलवार है, हनुमान जी सामने हैं, अभी बजरंग बली का हम लोग लड्डू चढ़ाएंगे, उसके बाद मतलब फिर दिन का शुरुआत करेंगे। ये सब है कि मतलब हम लोग हिंदू रह गए कांग्रेस में क्या, मतलब ऐसा है कि हम लोग हिंदू हैं तो क्या हम लोग मुस्लिम बन गए? तो हम लोग चाहते हैं कि देश है, देश मेरा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका ये भारत है और हम लोग समन्वय बना के चलते हैं। क्या मुस्लिम से हम लोग का काम नहीं पड़ता है? आज जब भी कोई आयोजन होता है, टेलरिंग का काम होता है, कपड़ा सिलाने का काम होता है, या बैंड बाजा बजाने का काम होता है, या किसी भी आयोजन में उसका भी कहीं ना कहीं एक टीका लगाने का काम होता है। तो जातीय उन्मान फैला करके हम यहाँ पर अस्थिर से नहीं रह सकते हैं। तो ये सब जो है सो हर तरह से हिंदू मुसलमान करके करते, जय श्री राम कर देगा तो जय श्री राम हमसे ज्यादा कोई नारा लगाता है क्या? सवेरे उठ करके राम राम बोलता है क्या? तो ये सब सारा चीज है, संस्कार नहीं है। आज आप देखते होंगे कि गलतियां हम लोग तरफ से भी होती है। हम लोग जब मुस्लिम का मोहल्ला से गुजरते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हम लोग डीजे बजाते हैं और
आपत्तिजनक साउंड बजाते हैं और चंदा उगाही कर करके शराब पी करके जाते हैं। ये संस्कार हमारा नहीं है, हिंदू का संस्कार। राम जी का नाम लेते हो, राम जी का संस्कार भी तो अपने अंदर में आना चाहिए। मैं हमको बैठाया और हमको ही नहीं, मेरी पत्नी को भी जिताया, मेरी बेटी को भी जिताया, तो कहीं न कहीं हमसे सेंटिमेंटल टच है और हम लोगों से सेंटिमेंट के तहत मतलब उसके दिल में घुसने का प्रयास करते हैं और दिल में जगह बनाए हैं और इसलिए घूमते फिरते हैं और घूमने फिरने का नतीजा है लोगों से मिलजुल रहे हैं। आने वाला दिन में चुनाव है तो उसकी भी थोड़ा सा हम मन टटोल रहे हैं कि कहाँ नाराजगी है, उस नाराजगी को दूर करने का काम कर रहे हैं। चूंकि बहुत सा क्या है कि अपेक्षा एक्सपेक्टेशन जो है विधायक से काफी रहता है, तो विधायक बहुत सा काम नहीं कर पाती है, तो काम को हम थोड़ा देख रहे हैं कि कहाँ विधायक कमजोर पड़ रही है और कहाँ पर काम नहीं किया, कहाँ लोगों को नाराजगी। चूंकि हमारे ही काफी लोग नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को, तो हम वही लोगों को बोलते हैं कि विधायक जो है सो एक जनप्रतिनिधि है, उसका काम दायित्व है कि लोग विधानसभा मामला उठाना और हर प्लेटफार्म में जनता का हर इशू को उठाना, ना कि घर घर में चूल्हा जला करके भोजन कराना। तो लोगों को हम समझाते हैं, लोग समझ भी रहे हैं कि बात सही है, व्यवस्था बहुत है, 86 पंचायत है, 3-4 ब्लॉक है और बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, एक घर में लोग सबको खुश नहीं रख पाता है। तो ये तो बड़ा विधानसभा है और हम लोग 4-4 घर में नेता हो गए फिर भी जनता को पूरा खुश नहीं कर पाते हैं और मतलब बहुत सा काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए बेसिक काम सब हो रहा है लेकिन बहुत सा छोटी छोटी इशू पर लोग थोड़ा नाराजगी है, तो नाराजगी को हम दूर करने काम कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा नाराजगी नहीं है और जनता निश्चित रूप से प्यार चाहता है, स्नेह चाहता है और स्नेह प्यार हमारा परिवार से पूरा मिल रहा है और मिलते रहेगा और जनता फिर से अंबा प्रसाद को चुनाव जितवाने के लिए तत्पर है और जिताएगी। लोकप्रिय है चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो और यहाँ पर कोई नहीं है बोरो प्रेयर से काम यहाँ चलने वाला नहीं। और यहाँ पर अंबा प्रसाद हम लोग तो खैर मेरा तो पतरातू ननिहाल हुआ, बगल में कुसियारा और सारे लोग जानते हैं कि हमारा फैमिली परिवार हम लोग जमींदार परिवार।